जरूरी है। पहली बात, मेजॉरिटी कम्युनिटी का दायित्व बनता है कि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को कश्मीर वैली के अंदर प्रोटेक्ट करे। वर्ल्ड में कहीं पे किसी सरकार के लिए ये संभव नहीं है कि वे हर एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करे। इंडिविजुअल को वही प्रोटेक्ट करता है जो उसके आसपास रहने वाला इंसान होता है। इसलिए जो 89-90 में मेजॉरिटी कम्युनिटी नहीं कर पाए, आज समय आ गया कि वे अपने दायित्व को निभाए और माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने में कोई कमी न छोड़े। और भारत सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि कश्मीर के हालातों के ऊपर जब तक आप पूरी तरह से काबू नहीं पाएंगे, आप एक एपेक्स कमेटी का गठन करिए। हम भी आपको सुझाव देंगे कि कश्मीर वैली के हालातों के ऊपर और पंटू की रिटर्न किस किस्म की होनी चाहिए, यह सुझाव आप हमारे से ले लीजिए। और कम्युनिटी भी एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी के रूप में जाएगी, हम अलग बन के नहीं जाएंगे, एक बन के जाएंगे ताकि भारत सरकार के सामने हम अपना प्रस्ताव रखें और वे अपने प्रस्ताव को उसके साथ मैच करें। अगर उसमें कोई अच्छाई आपको दिख रही है, आप उसको इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि कश्मीर वैली के अंदर जो हमारे एम्प्लॉयज बेचारे विक्टिम बनते आ रहे हैं, सिलेक्टेड किलिंग का दौर चलता आ रहा है, इसको प्रोटेक्ट करना हर एक ह्यूमन का फर्स्ट वैल्यू होना चाहिए। अगर हम किसी इंसान को कुछ दे नहीं सकते और उसको देखते देखते हम देखेंगे वो किल हो रहा, ये कहीं पे एड्रेस नहीं, ये नहीं हो रहा। आप खुल के बाहर आइए। मैं कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर्स को कहना चाहता हूँ, वहां के रिलीजियस प्रीचर्स और सिविक लीडर्स को भी ये कहना चाहता हूँ, आपको पास समय आया, आप बाहर आइए। आप पाकिस्तान के टेररिज्म को कंडम करिए, पाकिस्तान को धमकाइए, पाकिस्तान के साथ खड़े न रहिए। ये समय आ गया, आप अपने स्किन को प्रूव करिए और ह्यूमैनिटी को एड्रेस करें।